इस तरह टीम बनाए कभी नहीं हारोगे। हेलो दोस्तों, क्या आप भी ड्रीम इलेवन गेम खेलने वाले में से एक हैं? लेकिन क्या आप भी अभी तक ड्रीम इलेवन से पैसे नहीं जीत रहे हैं? तो फिर आज का यह पोस्ट आपके लिए काफी ज्यादा ही मददगार साबित होगा, क्योंकि आज हम आपको ड्रीम इलेवन में टीम बनाने का एक ऐसा आसान तरीका बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी ड्रीम इलेवन में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि यदि अधूरी जानकारी लेने वाला सिर्फ अपना ही नुकसान करवा सकता है। तो चलिए फिर जानते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप उन सभी तरीकों को जानकर अपनी टीम को बनाओगे तो आपके जीतने के चांस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे तरीकों में कभी कभार कोई एक तरीका अपने आप में एक समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए आज हम आपको सिर्फ दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अगर आपने अच्छे से समझ कर इस्तेमाल कर लिया तो आपके अभी के मुकाबले जीतने के चांस काफी ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि आप आज से ही इन तरीकों का इस्तेमाल करके हजारों या लाखों रुपए जीतना शुरू कर दोगे, लेकिन इतनी गारंटी मैं आपको जरूर दे सकता हूँ कि आप कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों में ही ड्रीम इलेवन से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। और कुछ महीने में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्रीम इलेवन में बहुत सारे लोगों का दिमाग काफी कमजोर होता है और उन्हें चीजों को समझने में काफी समय लग जाता है, तो उनके लिए मैं इतने कम समय वाली गारंटी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन वैसे फिर भी वह थोड़ा ज्यादा समय लगाकर इन तरीकों से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब उन दो तरीकों के बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका है कि आपको रोजाना कम से कम एक मैच खेलना है जिसमें आपको तीन टीम बनाना है। लेकिन टीम बनाने से पहले आपको उस मैच के सभी खिलाड़ी और पिच की कंडीशन को बहुत ही अच्छे से जान लेना है, यानी कि इतने अच्छे से जानना है कि आपको उस मैच के हर मूवमेंट के बारे में पता लग जाए कि इस समय यहाँ पर यह बल्लेबाज या फिर यह गेंदबाज सबसे अच्छा खेल सकता है, और उसी अनुसार अपनी टीम में उन खिलाड़ियों का चुनाव करना है। लेकिन देखो, मैंने आपको तीन टीम इसलिए बनाने को बोला है क्योंकि ड्रीम इलेवन में ज्यादातर लोग सिर्फ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं, लेकिन आपको किसी एक टीम में उन खिलाड़ियों को भी मौका देना है जो कि वर्तमान में तो अच्छे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे खेलने की चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और उन्हीं खिलाड़ियों में से आपको किसी एक टीम में कप्तान और उप कप्तान बनाना है, क्योंकि अगर वह गलती से भी अच्छे खेल गए तो आपकी किस्मत वहीं पर ही चमक सकती है। और बाकी दो टीम में आपको पिच की कंडीशन को बहुत ही अच्छे से जानकर कप्तान और उप कप्तान बनाना है, क्योंकि देखो, अगर आप एक ही मैच में तीन टीम बहुत ही बारीकी से जानकारी लेकर बनाओगे तो आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा ही रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इस पोस्ट से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा।